हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जांपल 6.5 को सॉल्व करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के क्लास 11 के फिजिक्स के बुक से लिया गया है। और इसमें हम देखेंगे कि अगर वेरिएबल फोर्स है तो हम वर्क को कैसे निकालते हैं और उसका हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ जो है वह फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हमें बनाना है। तो आइए इसको एग्जांपल को देखते हैं। ए वुमेन पुशेस ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस। एक वुमेन है और वह एक ट्रंक को रेलवे प्लेटफॉर्म पर पुश करती है जिसका सरफेस रफ है। सी अप्लाइज ए 100 न्यूटन फोर्स ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। जैसे इसमें एक एनिमेशन में देख रहे हैं, वह 10 मीटर में डिस्टेंस कवर करती है तो वह 100 न्यूटन का फोर्स, कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करती है। देयर आफ्टर सी गेट्स प्रोग्रेसली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लिनियरली विथ ए डिस्टेंस टू 50 न्यूटन। उसके बाद वह टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। उसके बाद वह फोर्स को लगाना कम करती है और 100 न्यूटन से कम करते करते वह 50 न्यूटन तक लाती है फोर्स को। और जो रेट ऑफ चेंज है फोर्स का वह कांस्टेंट है, यानी लिनियरली है। और द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर। और जो टोटल डिस्टेंस ट्रंक मूव करता है वह 20 मीटर है, यानी 10 मीटर पहले मूव किया था और 10 मीटर जो फोर्स को कम करने लगती है उसके बाद 10 मीटर और ट्रंक मूव करता है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ग्राफ बनाना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। और जो ग्राफ बनाना है, फोर्स वुमेन के जो फोर्स लगाती है और उसका डिस्प्लेसमेंट है ट्रंक का, उसके बीच बनाना है। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 50 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का भी ग्राफ बनाना है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। और हमें जो वर्क डन है वह भी निकालना है, टोटल वर्क डन, यानी 20 मीटर तक ट्रंक को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा उसे हमें निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ से 10 मीटर तक जाने में यह जो वुमेन ने फोर्स लगाया यह कांस्टेंट फोर्स था, 100 न्यूटन था। और फिर नेक्स्ट 10 मीटर यानी टोटल उसने 20 मीटर ट्रंक को मूव किया, यानी नेक्स्ट जो डिस्टेंस रहेगा वह 10 मीटर रहेगा। तो वहाँ पर यह जो वुमेन है वह फोर्स को कम करने लगती है, 100 न्यूटन से रिड्यूस करके वह 50 न्यूटन तक फोर्स लगाती है। तो इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में क्या है, फोर्स जो है वेरी कर रहा है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो आइए हम वाई एक्सिस पर फोर्स को लेते हैं और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम डिस्टेंस को लेंगे। और जो वाई एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो देखिए, जैसे वुमेन जो पुश करती है ट्रंक को, तो फोर्स अभी 100 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है पहला पार्ट में है वो 100 न्यूटन है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर है। ये देखिए 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो वाई एक्सिस में वह 100 न्यूटन होगा। और फिर जो फोर्स है वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, जैसा आप ग्राफ में देख रहे हैं यह फोर्स है रिड्यूस होने लगता है, यानी 100 न्यूटन से 50 न्यूटन तक फोर्स आ जाता है। तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे, इसमें देख लीजिए इस तरह का ग्राफ बन रहा है। या जो फोर्स है 100 न्यूटन है, फिर रिड्यूस होकर 50 न्यूटन आ रहा है। और जो जो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ है यह रेक्टेंगल होगा, और जो सेकेंड पार्ट का ग्राफ है ये ट्रेपेजियम होगा। तो यह दोनों पार्ट का ग्राफ बन गया, और इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो दोनों बॉडी के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी होता है, यानी ट्रंक और प्लेटफॉर्म के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट में लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन में है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वह लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, तो हम लोगों ने राइट डायरेक्शन को
पॉजिटिव लिया था तो लेफ्ट डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स है वह -50 न्यूटन हो जाएगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह 20 मीटर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। तो अब हमें अगर वर्क डन निकालना है तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा, तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर इसका ग्राफ हमें मालूम है तो ग्राफ के अंडर का, ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है फोर्स और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ है उसके नीचे का जो एरिया होता है उस एरिया के इक्वल होगा वर्क डन। तो अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें वर्क डन मालूम चल जाएगा। तो पहले जो वुमेन है वह कितना वर्क डन कर रही है वह निकालते हैं। तो वुमेन का जो वर्क डन निकालेंगे तो इसमें जो ग्राफ बन रहा है उसका एरिया हम निकाल लेते हैं, तो वर्क डन बाय वुमेन इज, इसको WM से डिनोट कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। यहाँ देखिए ABCD जो रेक्टेंगल है इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम CEID जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया, यानी दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें वर्क डन मालूम चल जाएगा वुमेन के द्वारा। तो यह जो रेक्टेंगल हो गया और यह ट्रेपीजियम हो गया, तो हम एरिया निकाल लेते हैं। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वह इक्वल होता है लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ और ब्रेथ तो एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो लेंथ है वह 10 मीटर है और जो ब्रेथ है वह 100 मीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं तो वो जो दो पैरेलल साइड होंगे उनका सम मल्टीप्लाई हाइट, और जो हाइट होगा ट्रेपीजियम का उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में देख रहे हैं हाफ हो गया और जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड है एक है 100 और दूसरा है 50। या देखिए CD और EI पैरेलल साइड है इस ट्रेपीजियम का, और CD इक्वल है 100 और EI इक्वल है 50, तो यह हो जाएगा 100 + 50, हाफ मल्टीप्लाई 100 + 50, और जो हाइट है इसका हाइट हो जाएगा DI के इक्वल, ये जो DI है इसके हाइट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा ट्रेपीजियम का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 750। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकल गया। तो वर्क डन बाय वुमेन इज, अब दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें वुमेन द्वारा टोटल वर्क डन निकल जाएगा, तो 1000 + 750 यानी 1750 जूल हो जाएगा जो वुमेन द्वारा वर्क जो किया जाएगा उसका वैल्यू होगा 1750 जूल। अब हम फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क डन है उसको निकालते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो ग्राफ बनेगा यह जो है एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है वह उसका जो मैग्नीट्यूड है 50 है, और क्योंकि वह अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका जो साइन होगा निगेटिव होगा। तो निगेटिव साइन अगर हम वाई एक्सिस पर निगेटिव साइन लेंगे तो यह क्या होगा एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। तो यहाँ पर यह एरिया बन गया, यह एक रेक्टेंगल बन गया AGHI। तो अगर हम फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल AGHI रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर AG है 50 है, -50 है, और GH है 20। तो इसको सॉल्व कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं निकालना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो -50 × 20 हो जाएगा यानी -1000 जूल होगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन होगा वह निगेटिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1000 जूल। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वुमेन फोर्स लगा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो अगर वुमेन के द्वारा जो वर्क डन है उसको पॉजिटिव लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा जो वर्क डन है उसको हम निगेटिव लेंगे। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।